एक पति अपनी पत्नी से इस कदर परेशान हो गया कि उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा, उसकी लाश को जंगल में कहीं फेंक दिया। अब दिल्ली पुलिस जंगल में लाश को खोज रही है। दिल्ली के जंगल में लाश की तलाश, 50 पुलिस वालों का सर्च ऑपरेशन, 12 घंटे बाद मिला शव। दिल्ली पुलिस के इन सिपाहियों को तलाश है एक महिला के शव की, जिसके पति पर उसकी हत्या का आरोप है। कंझावला पुलिस को किसी ने सूचना दी कि एक शख्स ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने मनोज नाम के उस शख्स को हिरासत में लिया और जब उससे पूछताछ की गई तो सामने आ गई एक ऐसी कहानी जिसने सबके होश उड़ा दिए। मनोज के मुताबिक उसने पत्नी कोमल की हत्या दिल्ली के बोंटा पार्क में शुक्रवार शाम को की थी और लाश को वहीं घने जंगलों में ठिकाने लगा दिया था। लेकिन जब पुलिस की टीम मनोज को लेकर इस जंगल में पहुंची तो उसे याद ही नहीं आ रहा था कि उसने अपनी पत्नी कोमल की हत्या करने के बाद लाश को छिपाया था, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। ऐसे फोसला के बुलाई के बाद मिलने को आजा कमली, तब वो अकेली घर पे थी और बहन के घर पे मिलने आई थी। झगड़ा किस बात पे होता था? वो देश के बारे में, इसकी मम्मी बोले उन्होंने कोर्ट मैरिज करी है, उनकी पसंद से करी है। उसकी माँ बोले लगी मैं शादी करूंगी, अच्छे घर में करूंगी, तेरी मैं दहेज लेके आएगी। ये बोलने लगा मम्मी मुझे तो कैसी भी मुझे ये लड़की पसंद है। मनोज और कोमल की शादी 2 साल पहले हुई थी। मनोज की कोमल से मुलाकात एक बार में हुई थी जहां वो काम करती थी। पहले दोनों में प्यार हुआ और फिर दोनों ने शादी का फैसला कर लिया और कोर्ट में शादी कर ली। शादी के कुछ दिनों तक तो सब ठीक चला, लेकिन 2 साल बाद दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा और वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि मनोज ने कोमल को मौत के घाट उतारने का प्लान बना लिया। कोमल के घर वालों की माने तो मनोज के साथ झगड़े के चलते कोमल अपने घर आई हुई थी। मनोज कोमल को बहाने से दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास बने बोंटा पार्क में ले गया। ये घना जंगल है। प्लान के मुताबिक मनोज अपनी पत्नी कोमल को जंगल के अंदर ले गया और एक तार से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसकी बॉडी को यही जंगल में ठिकाने लगाकर अपने घर चला गया और कोमल के कत्ल की बात अपने घर को बता दी। इसके बाद मनोज के घर वालों ने पुलिस को सूचना दी। जो अभी तक हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक 2 साल पहले इनकी लव मैरिज हुई थी, कोर्ट मैरिज, और उसके बाद से हस्बैंड वाइफ के बीच में डिफरेंसेस थे और उसी डिफरेंसेस के क्रम में जो है इनके डिफरेंसेस बढ़ते गए और ड्यू टू देयर मैरिटल डिस्कॉर्ड ही प्लान्ड, और अभी जो है मनोज नाम का व्यक्ति उसको डिटेन किया गया है, पूछताछ जारी है, डेड बॉडी को रिकवर कर लिया गया है उसी के इंस्टेंस पर एंड इन्वेस्टिगेशन इज अंडरवे। शुक्रवार की सुबह बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ था जिसके बाद ही मनोज ने यह प्लान किया और उसने अपने प्लान के बारे में जरा से भी भनक अपनी पत्नी कोमल को नहीं लगने दिया और उस किसी बहाने से उसे कोमल को लेकर यहाँ आया और यहाँ तार से गला घोट कर कोमल का कत्ल कर दिया और उसके बाद फिर यहाँ से वो ये सोच के भाग गया कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी मिल गई और पुलिस ने कोमल के कत्ल के आरोप में मनोज को गिरफ्तार कर लिया। मनोज को नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी कानून के शिकंजे में वो फंस जाएगा। फिलहाल पुलिस ने मनोज को गिरफ्तार कर लिया और कोमल की लाश भी बरामद कर ली है। अब पुलिस ये पता करने में जुटी है कि मनोज कत्ल की जो वजह पुलिस को बता रहा है उसमें सच्चाई कितनी है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।